कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को अपनी फर्रांटेदार अंग्रेजी के लिए जाना जाता है। उनकी अंग्रेजी अंग्रेजों के भी पसीने छुड़ा देती है। हाल ही में शशि थरूर ने अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस के लिए केरल में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। 3 बार के लोकसभा सदस्य थरूर ने तिरुवनंतपुरम से नॉमिनेशन फाइल किया है। उनके चुनावी हलफनामे से पता लगता है कि पिछले 5 साल में उनकी दौलत में कई करोड़ का इजाफा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनकी नेटवर्थ कितनी है। थरूर ने ताजा नामांकन पत्र में 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। वहीं 2019 में उन्होंने करीब 35 करोड़ रुपए की संपत्ति होने की बात बताई थी। इसके अलावा साल 2014 में थरूर ने 23 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। थरूर ने नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में अपनी संपत्ति और देनदारियों का जिक्र किया, जिसके मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में उनकी कुल इनकम 4.32 करोड़ रुपए से ज्यादा रही है। उनके पास 49 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल संपत्ति है। इसमें 19 बैंक खातों में अलग अलग रकम जमा है। उनका डिबेंचर और म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश है। शशि थरूर की चल संपत्ति में 32 लाख रुपए का 534 ग्राम गोल्ड शामिल है। उनके पास 36,000 रुपए कैश है। और जहां तक अचल संपत्ति का सवाल है तो ये 6.75 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसमें पलकक्कड़ में 2.5 एकड़ कृषि भूमि में पुश्तैनी प्लॉट का 1/4 हिस्सा शामिल है, जिसकी कीमत अब 1.56 लाख रुपए है। इसके अलावा उनके पास तिरुवनंतपुरम में खुद की 10.47 एकड़ भूमि है। इसकी कीमत फिलहाल 6.20 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं राजधानी में स्थित उनके आवास की कीमत फिलहाल 52 लाख रुपए बताई जाती है। कांग्रेस सांसद ने अपने पास 2 कारें होने की बात कही है। इनमें एक मारुति सियाज और एक मारुति XL6 शामिल है। साल 2014 में शशि थरूर ने 23 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति घोषित की थी। साल 2019 में उन्होंने 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बताई थी। और इस बार अगर बात करें तो उनकी संपत्ति में कई करोड़ का इजाफा हुआ है और ये संपत्ति यानी कि टोटल नेटवर्थ अब 55 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में आप नेताओं की नेटवर्थ जानना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।